So in my last 90s video, I had spoken about 90s best male newcomers in Bollywood. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, the link is there in the description box below and also on the I button above. और अब बारी है लड़कियों की, यानी कि 90s फीमेल newcomers from Bollywood जिन्हें अपने डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 90s में. हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला. आई होस्ट अ पॉडकास्ट कॉल्ड 90s की कसेट, व्हिच इज ऑल अबाउट द 90s ऑन गाना म्यूजिक ऐप. और अगर आपने अभी तक वो शो नहीं सुना है तो अगेन द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड जैसे द वे यू फॉलो मी हियर ऑन यूट्यूब, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन गाना. सो 90s बेस्ट फीमेल न्यू कमर्स की बात करते हैं. तो एज आई सेट इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो दैट दिस अवार्ड, द मेल डेब्यू एंड फीमेल डेब्यू अवार्ड, दे वर स्टार्टेड इन फिल्म फेयर ओनली इन 1989. सो 1989 का पहला मेल डेब्यू अवार्ड मिला था आमिर खान को फॉर कयामत से कयामत तक. और इसी फिल्म के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू जीता जूही चावला ने. ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट, स्वीट, क्यूट, सब कुछ लगती हैं. आई एम अ ह्यूज जूही चावला फैन और इसीलिए 1989 का जो बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड था वो जूही चावला ने जीता फॉर कयामत से कयामत तक. और शी बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स इन बेस्ट डेब्यू कैटेगरी. नाउ कमिंग टू 1990 फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो इस साल का बेस्ट न्यू कमर फीमेल अवार्ड जीता फिल्म फेयर का भाग्यश्री ने फॉर मैंने प्यार किया. और आपको पता है कि भाग्यश्री उस वक्त तक शादी कर चुकी थी एंड व्हेन शी केम ऑन स्टेज, और ये अवार्ड ना उन्हें एक्चुअली दिया था जेबा बख्तियार ने. अगर आपको जेबा बख्तियार नहीं याद है तो मैं बता दूं कि हिना मूवी से वो लॉन्च हुई थी, शी इज अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस. और इस अवार्ड को लेने के बाद भाग्यश्री ने कहा कि यू नो शी थैंक्ड हर फादर एंड हर हस्बैंड फॉर ऑल द सपोर्ट एंड द फुल टीम ऑफ मैंने प्यार किया. और देन शी सेड दैट यू नो रिगार्डिंग माई कम बैक, प्लीज वेट एंड वॉच. First and foremost, I'd like to thank the unit and the entire staff of Maine Pyar Kiya, because Maine Pyar Kiya wouldn't be Maine Pyar Kiya without all of them. And I wouldn't be standing here if it wasn't for the encouragement of my father and the love and the patience of my husband. I thank both of them too. Regarding my coming back, wait and see. 1991 का बेस्ट फीमेल न्यू कमर यानी कि बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड फिल्म फेयर का मिला पूजा भट्ट को. ये अवार्ड ऑन स्टेज अनाउंस किया था आमिर खान ने, हु वाज वेरी हैप्पी गिविंग अवे दिस अवार्ड टू पूजा भट्ट बिकॉज दे वर वर्किंग इन द फिल्म टुगेदर एट दैट पॉइंट, दिल है कि मानता नहीं. एंड पूजा भट्ट थैंक्ड हर फादर, हर मदर एंड ऑल्सो अनुपम खेर फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस इन हर फर्स्ट फिल्म डैडी. Most outstanding new face for 1990 is Pooja Bhatt. Anyway, I'd like to thank Anupam Kher and my father for pushing me, kicking me, loving me and believing in me every inch of the way. Now coming to 1992 Filmfare Awards for Best Female Debut, तो ये award उस साल जीता रवीना टंडन ने. And on stage this award was announced by Pooja Bhatt, who knew already that रवीना wasn't there at the function to receive this award. और इसीलिए पत्थर के फूल जो जिस फिल्म से रवीना टंडन ने एंट्री की थी 90s में बॉलीवुड में, उस फिल्म की टीम से कोई आया था जिन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहली बार रवीना टंडन को देखा था इस फिल्म में परफॉर्म करते हुए, तो दे टोल्ड हर दैट यू नो यू आर गोइंग टू गेट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर योर फर्स्ट एवर फिल्म फॉर दिस परफॉर्मेंस. एंड रवीना टंडन को ये अवार्ड मिला भी. नाउ कमिंग टू 1993 फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो इस साल का फीमेल डेब्यू, बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड जीता दिव्या भारती ने अपनी फिल्म दीवाना के लिए. नाउ दिव्या भारती वॉजन्ट देयर एट दैट पॉइंट, और बहुत लोगों को ये लगता है कि ये अवार्ड दिव्या भारती को उनकी डेथ के बाद मिला था. नो, दैट इज नॉट ट्रू. दो अवार्ड वॉज ऑर्गेनाइज इन 1993 ओनली, जिस साल उनकी डेथ भी हुई, लेकिन ये जब ये अवार्ड अनाउंस हुए थे शी वॉजन्ट देयर इन टाउन टू रिसीव दिस अवार्ड, तो इसीलिए उनकी जगह उनके पापा ने ये अवार्ड रिसीव किया था उनके बिहाफ पे. बट हाँ, इसी साल के एंड में हमने दिव्या भारती को खो दिया था. 1994 का बेस्ट फीमेल डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड मिला ममता कुलकर्णी को. और ऑन स्टेज ना ये अवार्ड सुष्मिता सेन ने अनाउंस किया था बिकॉज उस साल सुष्मिता सेन बिकेम फेमिना मिस इंडिया और ऐश्वर्या राय बनी थी फर्स्ट रनर अप. तो अगर आपको याद हो कि इन माई लास्ट वीडियो ऑफ 90s मेल न्यू कमर्स, मैंने आपको बताया था कि सैफ अली खान को बेस्ट न्यू कमर अवार्ड अनाउंस जो किया था स्टेज पे वो ऐश्वर्या राय ने किया था,
और फीमेल डेब्यू का यू नो अवार्ड देने का जो जिम्मा था वो सुष्मिता सेन को मिला था और अवार्ड जीता ममता कुलकर्णी ने फॉर आशिक आवारा. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम ममता कुलकर्णी. सो कमिंग टू 1995 फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू, इस साल टाई हुआ था. एक्चुअली दो एक्ट्रेसेस ने ये अवार्ड जीता था, एक तबू फॉर विजय पथ और पहला पहला प्यार और दूसरी सोनाली बेंद्रे जिनकी फिल्म आई थी उस वक्त आग. और तब्बू का जो अवार्ड था ना वो ऑन स्टेज अनाउंस किया काजोल ने, जो उस वक्त तब्बू को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी बिकॉज उनको लगता था कि अजय देवगन और तब्बू जो हैं ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त हैं. सो काजोल वॉज क्वाइट इनसिक्योर ऑफ तब्बू और जब आप ये क्लिपिंग देखेंगे ना आपको पता चलेगा कि वो बहुत इनसिक्योर थी काजोल, इतना मुँह बना बना के उन्होंने ये अवार्ड अनाउंस किया है. बट येस तब्बू ने यू नो शी थैंक द एंटायर टीम ऑफ बोथ द फिल्म्स विजयपथ एंड पहला पहला प्यार. और सिमिलरली सोनाली बेंद्रे को भी चोट लगी हुई थी उनके चेहरे पे, यहाँ पर उन्होंने पट्टी की हुई थी बट स्टिल शी केम टू कलेक्ट दिस अवार्ड. द मोस्ट सेंसेशनल डेब्यू गोज टू तबू. वेल इट्स एन ऑनर टू गेट दिस अवार्ड. ऑल आई कैन से इज आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक एवरीवन ऑफ दोस वेल विशर्स who have sent their lovely flowers and get well soon greetings to me. It's their wishes that has seen me here today. I was not going to be here, but everyone's wishes has seen me here. Thank you so much. I wish I have these blessings to live up to the expectations that this award gives rise to. Now coming to 1996 Filmfare Awards for Best Female Debut, और ये award जीता था उस साल Twinkle Khanna ने बरसात फिल्म के लिए. Yes, ये वही साल है जब स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स की एंट्री शुरू हुई थी बॉलीवुड में और ऑन स्टेज ये अवार्ड शाहरुख खान ने अनाउंस किया था और उन्होंने इस अवार्ड को स्पेशली ट्विंकल खन्ना को देने के लिए स्टेज पे बुलाया था ट्विंकल खन्ना के पापा राजेश खन्ना को. इट वॉज क्वाइट एन अमेजिंग मोमेंट, फादर गिविंग अवार्ड यू नो टू हिज डॉटर. 1997 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड जीता था सीमा बिस्वास ने बैंडिट क्वीन के लिए. फुलन देवी का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि फिल्म फेयर ने किसी ऑफ बीट सिनेमा को, मतलब एक नॉट एग्जैक्टली अ कमर्शियल मसाला फिल्म, उसकी एक्ट्रेस को ये बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड दिया था. सो आई थिंक फिल्म फेयर, जिसको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता है इन अवार्ड्स को कि वो हमेशा स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स को अवार्ड देते हैं, तो अगर हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं तो हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं फॉर स्पेशली दिस अवार्ड जो उन्होंने सीमा बिस्वास को दिया था बेस्ट फीमेल डेब्यू का. नाउ कमिंग टू 1998 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू, जो इस साल जीता महिमा चौधरी ने. परदेस फिल्म से वो आई थी एंड यू नो ऑलरेडी मॉडलिंग की दुनिया में उनका काफ़ी नाम था. शी हैड ऑलरेडी वर्कड विद आमिर खान ऑन पेप्सी कमर्शियल और उसके अलावा शाहरुख खान के साथ भी वो जब परदेस में आई थी एंड शी थैंक्ड हर मेंटोर हर डायरेक्टर सुभाष घई फॉर हर परफॉर्मेंस. फॉर दिस आई लाइक टू थैंक माई मेंटोर माई डायरेक्टर मिस्टर सुभाष घई फॉर बींग सच अ ब्रेव मैन नॉट जस्ट टू गिव मी दैट फैंटास्टिक रोल but casting me opposite some of the best talent that we have in the industry and believing I might be able to do it. So I think this victory is his as much as it is mine. 1999 Filmfare Award for Best Female Debut जीता Preeti Zinta ने. दिल से और Soldier फिल्म के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया था एंड शी वॉज आस्क्ड दैट यू नो बिकॉज यू हैव डिम्पल्स तो आपको लगता है कि डिम्पल्स किसी की सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. शी सेड नो इट्स एक्चुअली अ गुड फिल्म एंड अ गुड डायरेक्टर. और फाइनली फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू इन 2000, जो कि 1999 में लॉन्च हुई थी एक्ट्रेसेस, और उनमें से जिसको बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला वो थी नंदिता दास फॉर 1947 अर्थ. ये इस चॉइस के लिए भी आई थिंक फिल्म फेयर को काफ़ी ज़्यादा यू नो तारीफ मिलनी चाहिए बिकॉज दिस वॉज ऑल्सो अ डिफरेंट चॉइस. सो दिस वॉज माई लिस्ट ऑफ 90s बेस्ट फीमेल न्यू कमर्स जिन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड जीता था. और अब मुझे मेरा अवार्ड दीजिए, दैट इज़ यू कॉमेंटिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेसिंग द नोटिफिकेशन बेल. आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. तब तक के लिए प्लीज़ मुस्कुराते रहिए.